ब्रैम्पटन के एक शॉपिंग मॉल में एक गहनों के स्टोर में कुछ शक्की व्यक्ति वड़े जिथे जाके उन्होंने तुरंत हथौड़ियों शीशे तोड़े तो गहने लुट के उत्थे तो फरार हो गए, जिसकी कि पील पुलिस ने एक वीडियो सांझी की है जो 8 दिसंबर ब्रैमली सिटी सेंटर में यह लुट न अंजाम दिता गया, जिस तों बाद अधिकारियों का कहना है कि मिसिसागा विच भी स्क्वेयर वन मॉल में जनवरी 17 मुड़ तो कुछ इस तरह लुट न अंजाम दिता गया कुछ व्यक्तियों वालों, जिथे कि 4 जने दाखिल हो के जिन्होंने मूँह ढके हुए सन तुरंत हथौड़ियों शीशे तोड़न लगे तो गहने उत्थे तो लैके फरार हो गए, जिस तों बाद पुलिस अधिकारियों ने यह वीडियो जारी की है। यह 8 दिसंबर की वीडियो है, जिस संबंधी पुलिस वालों ने दसिया कि एक 20 साल के टोरोंटो के रहने वाले जोसिया मडूरी नामक व्यक्ति नूं तां गिरफ़्तार कर लिया, जिस उत्ते केस भी दर्ज कर दिए गए ने जनवरी 25 दोवें वारदातों के विच इस व्यक्ति नूं भी पाया गया, जिस संबंधी पुलिस का कहना है कि होर जो व्यक्ति ने उन्हां दी भाल की जा रही है, जिस बारे ही यह वीडियो सांझी करके लोगों तो जांच वास्ते सहयोग की मांग की गई है, जिन्हों का कहना है कि बाकी दे शक्कियां दी भाल कर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके नाल लुट की इस वारदात को अंजाम दिता। तो जदों वो स्टोर में दाखिल होए, जो वीडियो भी पुलिस ने सांझी की है उस विच कुछ औरतां ते बच्चे पहले दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी डरे हुए स्टोर के बाहर चले जाते हैं, जिस दौरान हथौड़ियों के नाल यह व्यक्ति शीशे तोड़ रहे सी ते लुट नूं अंजाम दे रहे सन। इत्थे जिक्र योग है कि इस तों पहलां भी 8 नवंबर कुछ इस तरह लुट का मामला सामने आया सी इस खेत्र विच, जिस बारे पुलिस ने अजे साफ नहीं किया कि जो दिसंबर 8 ते जनवरी 17 लुट दियां यह वारदातां वापरियां ने उसका कोई नवंबर वाली घटना नाल संबंध है जां नहीं, पर जो नवंबर विच भी लुट हुई सी उस लुट नूं अंजाम देण वालियां नूं भी अजे तक पुलिस वल्लों लभ्या ही जा रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ओटवा पहुंचे हुए सन, जिथे कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नाल उन्होंने मुलाकात की। इस मौके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों भी अपनी मुलाकात के बारे जानकारी सांझी की गई, जिस विच उन्होंने एक तस्वीर सांझा करते हुए लिखा कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर के नाल उन्होंने जो मुलाकात की है उस मौके कई खास मुद्दों के उत्ते चर्चा की गई है, जिस खास तौर उत्ते हाउसिंग ते वातावरण नूं प्रदूषण मुक्त बनाने वास्ते जो कदम चुके जा रहे हैं उसके लिए होर सहयोग संबंधी ते भाईचारियां नूं सुरक्षित रखण संबंधी गलबात की गई है। कई मुद्दों उत्ते चर्चा करन दे बारे जदों उन्होंने यह जानकारी सांझी की तां इस मौके जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने उन्होंने मीडिया के नाल भी गलबात की ते उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। टोरोंटो पुलिस ने दो व्यक्तियों ते एक SUV गड्डी की तस्वीर सांझी करके एक जांच वास्ते सहयोग मंगया, जिन्होंने TD बैंक के ATM लुट्टण की कोशिश की ईस्ट यॉर्क खेत्र विच वीकेंड के उत्ते। पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि एतवार को सवेरे 4:45 का समा सी जदों TD कैनेडा ट्रस्ट ब्रांच के उत्ते जो 801 ओकॉनर्स ड्राइव पर है सेंट क्लेयर एवेन्यू ईस्ट के नेड़े, जिथे कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ग्रे रंग की SUV के विच व्यक्ति आए जो कि TD बैंक के ATM कोल उत्थे निकले तो उत्थे उन्होंने विस्फोटक समगरी वाला एक यंत्र ला दिता, जिस तों बाद एक पासे खड़े हो उड़ीकते रहे तो 10 मिनट बाद धमाका होया जिसने कि ATM का काफ़ी नुकसान किया, पर इस मौके बचा रहा कि कैशबॉक्स तक यह नहीं सी पहुंचे क्योंकि कैशबॉक्स का इस मौके नुकसान नहीं होया। जिस ATM नू लुटण की कोशिश की गई वह ड्राइव थ्रू ATM है तो बैंक की मुख्य इमारत तो बाहर है, जिस बारे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह इन व्यक्तियों की पछाण वास्ते सहयोग मंग रहे हैं जिन्हों दस्वीर सांझियां की ने। टोरोंटो पुलिस विच जो खास तौर पर विस्फोटक समगरी वाले यंत्रां की जांच करने वाली टीम है वह मौके के उत्ते पहुंची, K9 यूनिट्स भी पहुंचियां। लंबे समय तक इस वारदात की जांच चलती रही, जिस संबंधी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जेकर किसी नूं भी ग्रे रंग की SUV गड्डी है जो बिल्कुल नवी लग रही सी इस गड्डी की जो तस्वीर सांझी की गई है तुसीं देख सकते हो इसके बारे, जां फिर जो ये व्यक्तियों दी तस्वीरां सांझियां कीतियां गईयां ने इन्हां दे बारे किसी नूं भी कोई जानकारी होवे तां तुरंत टोरोंटो पुलिस दे नाल संपर्क किया जा सकता है। टोरोंटो पुलिस नाल संपर्क करन वास्ते 416-808-5500 ते फोन किया जा सकता है। सरी विच जमानत कराउण दे नाते ते नाल ही पुराना समान खरीदण जां वेचण दे नाल जुड़े हुए लोकां नूं मूर्ख बना के हज़ारां डालर लुट्टण वालियां तो पुलिस ने आगाह किया है, जिथे जनवरी 2024 विच एक बुजुर्ग औरत ने फ्रॉड करन वालियां नूं $7,000 अदा कर दिते क्योंकि उह उसदे ग्रैंडसन दी जमानत दे लई पैसे मंग रहे सन, खुद नूं अधिकारी दसदे हुए जो उसदे घर तों आके पैसे लै गए। इत्थे पुलिस दे वल्लों बार बार चेतावनी दित्ती जांदी है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जां फिर कोई भी अदालत तो कर्मचारी थोड़े घर आके जमानत करवाउण दे लई
राशि नहीं ले सकता। जेकर कुछ अजिही राशि देनी भी होवे तां तुसी खुद पुलिस स्टेशन जाके जां फिर अदालत विच जाके कर सकते हो। जेकर थानू उत्थे बुलाया गया होवे, घर आके किसी भी अधिकारी वालों थातों कदे भी पैसे नहीं मंगे जाएंगे। यह फ्रॉड है जिस तों लोगों नू चेतावनी दिती जा रही है ते सावधान रहन वास्ते कहा जा रहा है। ना सिर्फ यह सगों नाल ही सरी RCMP ने कहा कि वह ताज़ा वापरे दो होर मामलों की जाँच कर रहे हैं जो कि गिलफर टाउन सेंटर सरी विच सामने आए, जिथे कि खरीददार ने समान वेचण वाले दे सामने पहला तो कुछ रकम गिनी तो उसनू एक लिफाफे विच पाया, तो बाद विच लिफाफा बदल के गलत लिफाफा दे दिता। तो जो गलत लिफाफा दिता उस दे विच सिर्फ $100 सी ते नाल अखबार दियां कटिंग सन। तो दो जिहे मामले सामने आ चुके ने जिस करके पुलिस अधिकारियों वालों कहा जा रहा है कि कुछ भी खरीदण जा वेचण वास्ते जेकर तुसी अणजाण व्यक्ति नू मिलते हो तां बहुत ज़्यादा सावधानी वरती जाए, खास तौर उत्ते जदों भी कोई महंगी चीज़ तुसी खरीद जां वेच रहे होवो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समान खरीदण ते वेचण दे मामले जो दो सामने आए ने उस विच दोवें मामलों च मैडिकल स्टाइल फेस मास्क पाए हुए सन जिन्हां दे वल्लों फ्रॉड किया गया। इस संबंधी लगातार सोशल मीडिया दे राही जो खरीदो फरोख्त की जाती है लोगों वल्लों पुलिस ते होर अधिकारियों वल्लों सावधानी वरतण नूं कहा जाता है, जिस संबंधी ऑनलाइन टिप्स भी दिते जाते हैं कि अजिहे विच कीड़ियां चीज़ों का ध्यान रखना है जो भी तुसी किसी अणजाण व्यक्ति नूं कुछ खरीदण जां वेचण वास्ते मिल रहे होवो। ते नाल ही तुसी अपने घर विच बजुर्गों नूं खास तौर पर जानकारी जरूर दवो कि जेकर कोई भी उन्हां नूं फोन करता है कि घर के किसी मैंबर दे बारे गल करते हुए पैसे मंगे जाते हैं तां सीधा पुलिस नूं फोन किया जा सकता है, ना कि अजिहे विच किसी नूं एकदम पैसे दे दिते जाण क्योंकि वह फ्रॉड हो सकता है। जो कैनेडा सरकार वालों इंटरनेशनल विद्यार्थियों के लिए फैसला लिया जा रहा है उसके जिमें कि गिनती वंडी जानी है कि कैनेडा का किहड़ा सूबा किन्ने इंटरनेशनल विद्यार्थियों ही बुला सकेगा। उस संबंधी ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर नूं जदों मीडिया वालों सवाल किया गया तो इस जवाब में उन्होंने कहा कि जो फैडरल सरकार वालों इस रणनीति उत्ते काम किया जा रहा है तो पहले पड़ाव उत्ते गलबात अजे चल रही है, जिस संबंधी जो गिनती दिती जानी है उस दे बारे अगे होर जानकारी उस मुताबक ही दिती जाएगी जिवें ही फैडरल सरकार दे वल्लों उस अंकड़े नूं दस्या जांदा है, क्योंकि इस गिनती नूं ना सिर्फ इंटरनेशनल विद्यार्थी जिन्हां ने दाखला लेना है सगों जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ जां कॉलेजिज़ ने जिन्हां ने दाखला देना है वह भी उड़ीक रहे हैं, क्योंकि उन्हां दे वास्ते भी कई हदायतां इस दे नाल लागू हो जाणगियां। जिस बारे ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने गलबात करते हुए यह भी दसिया कि जो सेहत कामियां नूं ट्रेनिंग दिती जानी ते नाल ही उन्हां दा स्वागत किया जाना ब्रिटिश कोलंबिया दे विच जारी रखा जा रहा है, जो कि काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। तो इस दे नाल ही ट्रक ड्राइवर समेत होर स्किल्ड वर्कर ने जो ते कामियां दी गिनती नूं पूरा करन वास्ते कदम चुके जा रहे ने जिस संबंधी रणनीति ते काम किया जा रहा है। Thanks, Rob. I know that there are a lot of people watching very anxiously the numbers that are being released by the federal government. There are people, obviously, who operate these schools, both public and private, our universities, our colleges, and smaller schools across the province, as well as international students themselves who may be prospective students coming to British Columbia. Our staff will provide you, Rob, with what we've received from the federal government to this point in terms of the numbers. And it's important to keep in mind with those numbers that this is the first stage of a discussion that we're having with the federal government about the number itself, as well as any other areas that might be carved out for areas of particular need, training LPNs, the nurses who work in long-term care facilities, for example, and support our healthcare system. Training for daycare workers, childcare workers, who allow us to open more childcare facilities in the province if they're properly trained to our high standards. Truck drivers, other skilled trades. These are areas where we know we have significant labor shortages, where these schools can be very supportive in supporting British Columbians. And so we'll be having conversations with the federal government about what the numbers mean and what the exemption areas may be.